मंदिर को लेके संघ प्रभु मोहन भागवत ने बयान दिया कि सरकार को इसमें आगे आके राम मंदिर बनाना चाहिए, उसके लिए अध्यादेश लाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, ये तो कोई भी भारत का रहने वाला डिमांड हुकूमत से कर सकता है, यही उनकी एक डिमांड ही कही जाएगी। अब सवाल ये कि हुकूमत इस पर क्या रिएक्ट करती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हुकूमत में शामिल लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, जेटली साहब हैं, प्रसाद साहब हैं, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जो उनकी बज़ाहिर जिसकी वो फेस सेविंग ना कर सकें। और इस मसले पर कानून बनाना लगभग असंभव है। तो आज ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कस्टडी में है और एक्वायर्ड है, डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उस एक्ट के लिहाज से इसको हैंडओवर करने का उस पार्टी को जो मुकदमा जीतेगी। तो अब ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी एक्वायर्ड है उसको दोबारा तो एक्वायर किया जा नहीं सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो 5 जजेस का फैसला, उस इसमें कहा गया था कि ये हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग ख़त्म की गई है ये रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कानून पास करे फिर वही कि ये प्रोसीडिंग अवेट की आती हैं, तो एक फैसले उस फैसले की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। संघ उसको बचाना चाहती है क्योंकि संघ इसको जो है पहले भी बचा रही है। आपको अगर याद हो तो पहली संघ की मीटिंग इस सरकार बनने के बाद लखनऊ में हुई थी और उसमें ये आए थे हमारे जो अध्यक्ष हैं इसके शाह साहब, अमित शाह साहब। उस वक्त इनका इन्हीं का बयान था कि हम 2019 तक का इनको मौका देते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे राम मंदिर के मामले पे। तो अब जाहिर है कि 5 साल हो रहे हैं, 19 आ रहा है, तो संघ को कुछ ना कुछ तो अपनी फेस सेविंग भी करना है और गवर्नमेंट की भी करना है। तो ये उसी का एक स्ट्रेटजी का पार्ट है।